हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ई लर्निंग क्लासेस शुरू हो गए हैं। आने वाले परीक्षा को मद्देनजर आपको सभी प्रोफेसर आपके प्रॉब्लम्स, जिन टॉपिकों पर चर्चा नहीं हुई है या जो टॉपिक क्रिटिकल है, उन पर आपका रिविजन रिविजन इत्यादि जो है वह इन लेक्चर्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब स्टूडेंट से यह अनुरोध है कि वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो जो स्टूडेंट आज तक वंचित रह गए हैं इन लेक्चर्स के माध्यम से, ये शिक्षण विद्या उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो वो इसको जान जाएंगे और वो भी शिक्षण का लाभ उठा सकेंगे। लाइक करने से क्या होगा कि ये जो सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आपको जो भी नया वीडियो बनेगा आपके प्रॉब्लम्स के आधार पर या जो भी नया टॉपिक आएगा उस वीडियो को आप फिर से पुनः देख सकेंगे और जल्द से जल्द देख सकेंगे। इस प्रकार आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम फिर अब चलिए हम चलते हैं आपके टॉपिक पे। क्या ये टॉपिक जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए है। पिछले लेक्चर में हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की थी। यूनिट 5 दो लेक्चर्स में हमने मूल्यांकन, आकलन और मापन के संबंध में बातें की थी। अब मूल्यांकन जो आपका टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम अलग अलग रीति से, अलग अलग जितनी उसकी विधियां प्रविधियां हैं, जितनी टेक्निक्स हैं, उन पर हम चर्चा अलग अलग बिंदुओं द्वारा हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो उद्देश्य बताए थे, आवश्यकताएं बताई थी, और आज इस लेक्चर में हम मूल्यांकन के उद्देश्य बताएंगे। सॉरी, आवश्यकताएं बताई थी और उसकी प्रविधियां कुछ बताई थी। अब हम उनके उद्देश्य बताएंगे। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि क्वेश्चंस हर तरह के आ सकते हैं। टेक्निक पूछ सकता है, उद्देश्य पूछ सकता है, आवश्यकताएं, तो जिस भी तरह की आपकी, जिस टॉपिक पर जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप उसको उत्तर दे सकते हैं। उसी विधि से आपको इन बिंदुओं द्वारा उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, तो चलिए इन पॉइंट के माध्यम से इनको समझे। मूल्यांकन का एक प्रमुख लक्ष्य है। मूल्यांकन का एक प्रमुख लक्ष्य रखा जाता है कैसे, तो वो क्या है कि प्रमुख लक्ष्य यह है कि छात्रों को कक्षा संबंधी जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उनको किस सीमा तक ग्रहण किया है, उन्होंने कर लिया है, यह एक उद्देश्य रखा जाता है। जैसे मूल्यांकन हर क्लास के लिए अलग अलग मूल्यांकन की विधियां तय हुई, जैसे आप जानते हैं, तो हम क्या होता है कि हम वो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि जिस सब्जेक्ट को या जिस कक्षा के लिए वो लक्ष्य निर्धारित वहां निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को स्टूडेंट्स में ने प्राप्त किया है कि नहीं, तो इसलिए मूल्यांकन का एक प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट आता है कला एक प्रयोगात्मक विषय है। ये जो पॉइंट है वो कला का है। आप जानते हैं F11 सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है वो कला एक प्रयोगात्मक विषय है, तो सही है। कैसे है, तो मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों द्वारा जानकारी का प्रयोग करने की कुशलताओं, उनकी रुचियों, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों में हुए परिवर्तन के विषय में जानकारी लिया जाता है प्रयोग के माध्यम से। क्या उनके अभिज्ञान कलात्मक हुए हैं, क्या उन्होंने कला ज्ञान प्राप्त किया है, वो कला में क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो कला एक प्रयोगात्मक विषय है, यह मूल्यांकन के माध्यम से ही ज्ञात होता है। तीसरा पॉइंट आता है छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान। जाहिर है छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों की सफलता तथा असफलता के लिए उसके कौन कौन से गुण और अवगुण उत्तरदायी हैं। मतलब सफलता के लिए कौन से गुण उत्तरदायी हैं और असफलता के लिए कौन से गुण अवगुण उत्तरदायी हैं, यह हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। कि कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि कैसे पता चलेगा टीचर को कि वह किस चीज में ज्यादा अच्छा कर रहा है और कम, जब तक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये चीजें जो है हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, छात्रों द्वारा उपलब्धियों का ज्ञान। चौथा पॉइंट आपका आता है छात्रों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन। छात्रों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन कैसे, तो क्या होता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को तो कला के क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करना होता है। छात्र अपनी सफलता और असफलता के स्तर को, उनके ज्ञान को यहां तक बढ़ा दिया जाए कि वह अपनी सफलता और असफलता के स्तर को स्वयं ज्ञात कर सके और अपना मूल्यांकन स्वयं कर सके। तो यह जो है वह छात्रों की
क्या छात्रों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन। अब हमारा पॉइंट आता है छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान। तो छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान शिक्षक को जब तक नहीं होगा तब तक वह ज्ञात नहीं कर पाएगा कि छात्र ने क्या इंक्रीज किया या क्या डिक्रीज हुआ, उनमें क्या नीचे के मतलब जो चीज की स्तर उनका खराब हो चुका है या ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यह हमें क्या होता है छात्रों की उपलब्धियों के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता का परीक्षण। व्यावसायिक कुशलता मतलब किसी भी शिक्षा का एक मूल उद्देश्य होता है कि हम उसमें क्या उससे हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम आज सीख रहे हैं प्रशिक्षण टीचिंग के लिए, हम अपनी आजीविका के साधन के लिए जो भी टेक्निक प्रयोग में लाते हैं तो वह कहां तक उसकी व्यवसायिक कुशलता का परीक्षण मतलब वह कहां तक सफल है वह जो है वह मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अब आपका अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। पाठ्यक्रम में परिवर्तन तो मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन लाना है कि अगर पाठ्यक्रम अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी पाठ्यक्रम हम अगर उसका देखेंगे कि वो सही नहीं है, बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि हम वो उसको क्या करेंगे कि उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह का। ये कोई भी टॉपिक अगर पाठ्यक्रम सही नहीं है, पाठ्यक्रम वो अच्छी तरह से समझ नहीं है, बच्चों की समझ में नहीं आ रही है, तो हम किसी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह भी मूल्यांकन के द्वारा ही हमें ज्ञात होगा कि बच्चों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट उत्तम मूल्यांकन के गुण। क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों और उत्तम मूल्यांकन के गुणों का वर्णन, तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यह क्या है कि उत्तम मूल्यांकन के गुण क्या है, अब उस पे आते हैं। तो मूल्यांकन में होता विश्वसनीयता, इसका पहला गुण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है, तो विश्वसनीयता का अर्थ है कि यदि कोई मापन यहां आता है मूल्यांकन या मापन कोई भी मापन समान परिस्थिति में पुनः उसको प्रशासित किया जाए तो वह उसका जो परिणाम होगा वह भी समान प्राप्त होगा। यह हो गया विश्वसनीयता। दूसरा पॉइंट आता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है, तो वस्तुनिष्ठ तथ्यों का अभाव अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया में परीक्षक जो होता है वह किसी भी मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर हो जाता है इस वस्तुनिष्ठता में। परीक्षा वह जो है वह पक्षपात अपनी रुचि या पसंद के अनुसार वह रेटिंग या ग्रेडिंग नहीं कर सकता है या नंबर नहीं दे सकता है। उसके लिए क्या होता है कि वह एक एक सफलता एक उत्तर कुंजी तैयार की जाती है उसके लिए एक उत्तर कुंजी तैयार की जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। और क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग शिक्षक को आंसर देना होता है, उसी के उसकी ग्रेडिंग देनी होती है या नंबर्स देने होते हैं। तो यह जो होता है वो वस्तुनिष्ठता एक बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं विश्वसनीय परीक्षण प्रक्रिया मानी जाती है। अब आता है कि वैधता। तो वैधता क्या है, तो मूल्यांकन में वैधता से तात्पर्य है कि जिस योग्यता अथवा ज्ञान का मापन करने के लिए परीक्षा का निर्माण किया है वह उसी का मापन शुद्धता से करे। मतलब वैधता यही है कि जिसके लिए जिस परीक्षा के लिए हमने ये मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू किया या मापन की है तो उसमें पूर्णता शुद्धता रहे विश्वसनीयता रहे वह पूर्ण रूप से हर चीज से ऊपर रहे हर वाद विवाद हर पक्षपात से ऊपर रहे यह हो जाएगा वैधता उसमें होगी। अब होती है व्यापकता। अब अगला पॉइंट है व्यापकता। तो व्यापकता क्या है, तो व्यापकता यह है कि इस गुण के आधार पर परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों पर जैसे हम सब यूनिट पढ़ते हैं अर्थात आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कि हमने कहा कि 5 यूनिट आप पढ़ते हैं तो उसके सारे यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यापक होता है। तो इसके लिए छात्र जो है वह विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करता है और उसको चयनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति निरुत्साहित करती है। अगर हम उसको गेस क्वेश्चन दे देते हैं तो वह निरुत्साहित उसको पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो है कि व्यापकता की आवश्यकता होती है कि अगर उसे मालूम है बच्चे को मालूम है कि स्टूडेंट्स को मालूम है कि सारे यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं
तो वह उनका व्यापक रूप से अध्ययन करे। यह जो होता है मूल्यांकन के एक गुण हो जाता है व्यापकता, कि वह संपूर्ण मूल्यांकन हो रहा है तो उसका व्यापक रूप से अध्ययन करे, हर तरह से अध्ययन करे पूरा। यह हो गया आपका व्यापकता। अब आता है विभेदीकरण, पांचवा पॉइंट होता है विभेदीकरण। क्या है कि इस गुण के आधार पर कक्षा में उच्च साधारण और निम्न योग्यता वाले छात्रों का विभेद किया जा सकता है। मूल्यांकन से आप देखते हैं कि पता चलता है कि किसका सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है, किसका मध्यम नंबर और किसका निम्न आ रहा है। तो ये हम जान जाते हैं टीचर कि कक्षा में जो बच्चे हैं वह कौन, उनका क्या स्तर है, जो उनके स्तर को ये जो है विभेदीकरण बताता है। तो मूल्यांकन का यह भी एक उत्तम गुण है। अब आता है छठा पॉइंट आपका होता है प्रशासन एवं अंकन में सुगमता, अंकन में सुगमता। तो क्या है, तो परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण और अंकन साधारण स्तर का शिक्षक भी कर सके। अब ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए कठिनाईपूर्ण हो जाए। तो क्या होता है कि वो मूल्यांकन के द्वारा ही ये चीज ज्ञात होता है, उसका गुण होता है मूल्यांकन का, कि वह जो परीक्षा ऐसी होती है कि एक नॉर्मल शिक्षक भी है जो है वह आसानी से उसका क्या कहते हैं उसका अंकन कर सकता है और इसमें क्या कर, और इस अंकन को संपन्न कर सकता है, अंकन प्रक्रिया को आसानी से संपन्न कर सकता है। वो हो जाता है प्रशासन और अंकन में सुगम। अब हम अभी हमने क्या मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के गुण ज्ञात किए। अब हम चलते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, तो वह मात्रात्मक विधियां और प्रविधियां, इसकी विधियां मूल्यांकन की विधियां और प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्या है प्रविधियां, तो पहला जो आ रहा है मात्रात्मक विधियां और प्रविधियां। तो यह क्या है, तो टेक्निक क्या उसमें यूज होता है, कौन सी विधियां याद की यूज की जाती हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो क्या टेक्निक है, तो पहला है मात्रात्मक विधियां और प्रविधियां। तो मात्रात्मक विधियां और प्रविधियां क्या है, तो उसमें उसके अंतर्गत जो है वह आता है रेटिंग स्केल, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जैसे जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं अभी मैंने बताया, और आता है अभिकृत मापनिया, मतलब एटीट्यूड स्केल्स आते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड आते हैं। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ परीक्षण आते हैं, ये विधियां जो है वह मात्रात्मक विधियां और प्रविधियां में प्रयोग की जाती हैं मूल्यांकन की ये विधियां। अब दूसरा आता है गुणात्मक विधियां और प्रविधियां, दूसरा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो शैक्षिक मूल्यांकन की गुणात्मक विधि और प्रविधियों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है गुणात्मक के मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा क्या होता है कि ओरल एग्जामिनेशन, फिर आता है लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, फिर निबंधात्मक परीक्षा एसे टाइप्स एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है प्रयोगात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये सब जो है वो आती है गुणात्मक प्रविधियों के अंतर्गत, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आते हैं, और जांच सूची चेकलिस्ट, ये जितनी भी परीक्षाओं की प्रविधियां हैं, जो नियम है, जो ये टेक्निक्स बताए गए हैं, वो सब आते हैं प्रविधियां गुणात्मक विधियां और प्रविधियां के अंदर। अब आता है तीसरा आपका निरीक्षणात्मक विधियां। निरीक्षणात्मक विधियों में क्या आता है, तो शैक्षिक मूल्यांकन में निरीक्षणात्मक विधियों में क्या उपयोग किया जाता है, इसमें होता है या अनियंत्रण निरीक्षण विधि, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसमें, फिर आता है नियंत्रण निरीक्षण विधि, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, सहभागी निरीक्षण विधि, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें दोनों का पार्टिसिपेंट आता है, ये विधियां हो गए। सहभागी निरीक्षण विधि, तो ये जो है इस तरह की विधियां जो है वह निरीक्षणात्मक विधियों में आती है। अब आती है चौथा स्वसूचित प्रविधि, वो क्या है स्वसूचित, तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, ये हो गया। तो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए स्वसूचित विधियों के क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डायरी, रिकॉर्ड, प्रश्नावली विधि, नियंत्रित साक्षात्कार विधि, मतलब हर तरह का प्रश्न उसमें नहीं, उसमें नियंत्रित होता है, क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, तो नियंत्रित साक्षात्कार विधि, अनियंत्रित
साक्षात्कार विधि भी इसमें आता है। क्या नियंत्रित है? अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसमें यूज होता है, मतलब वो किसी तरह के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और नियंत्रण भी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड भी है, मतलब उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं, अनकंट्रोल में अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक क्या कहते हैं, एक बता के नींद सीमा के अंतर्गत भी वहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के जो है वो स्वसूचित प्रविधियों में आते हैं। प्रक्षेपण विधि क्या है? प्रक्षेपण विधि तो समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसी अध्ययन प्रविधियों को निर्धारण किया गया है जिसमें वास्तविक, अनौपचारिक और गहन रूपी आंकलन प्राप्त होते हैं। अनौपचारिक मतलब औपचारिक जो ऑब्जर्वेशन नहीं, जो हम कक्षा में करें या क्लास में या रूम में, उसके इतर जो ऑब्जर्वेशन वो विधियां जो है वो इसके अंदर प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आएंगी। तो क्या क्या है? तो सहचार्यात्मक प्रविधियां, रचनात्मक प्रविधियां, पूर्णात्मक प्रविधियां, इस तरह की भूमिका निर्वाह प्रविधियां। तो क्या होता है कि इस तरह की जो प्रविधियां हैं, जो जो मतलब क्या कहते हैं कि हमारे वो हमारे जो नियम बनाया गया है उससे इतर होके जो मूल्यांकन होता है की विधियां होती है, प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। अब आता है छठा पॉइंट आपका, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षण। तो क्या है इसमें? तो शैक्षिक मूल्यांकन में वस्तुपरक अध्ययन के लिए पहले की अध्ययन विधियां उपयोग में लाई जाती थी, परंतु इसमें जो है मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षण, उसमें शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप मतलब क्या सोचता है, बच्चे में किस तरह के गुण पाए जाते हैं, शैक्षिक उसका मनोविज्ञान, वो किस तरह से समाज के बारे में, विद्यालय के बारे में, क्लास के बारे में मनोविज्ञान मतलब उसका सर्व रूप से मूल्यांकन किया जाता है, उसकी उसकी सोच क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिकता क्या है। तो यह जो है वह मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षण विधि हो गई। अब हमने इन तीनों टेक्निक तीनों माध्यमों से मूल्यांकन की विधियां, उद्देश्य और गुण ज्ञात किए। इसे आशा है आप इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सफलतापूर्वक और आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाइएगा। थैंक यू।